एग्जाम्पल नंबर थ्री में इसको भी थोड़ा डिकोड अच्छे से करता हूँ तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत छोटी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एंगल क्रिएट नहीं हो रहे, आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा और स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर में इसको चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, लीनियर पेयर नहीं बन रहा, तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है? अगर मैं इस OQ रे को पीछे तक एक्सटेंड कर दूं और यहाँ एक पॉइंट मान लिया मैंने T, तब इसको गौर से देखते हैं। POT एंगल POT प्लस POQ एंगल POQ कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि टू एंगल बन रहे हैं, एंगल ये वाला और ये वाला, कौन सी लीनियर पेयर एंगल, ये हमने लेट कर लिया। सपोज अगर चाहो तो यहां मान लेना लेट ओ क्यू एक्सटेंड ओ टी तक, ठीक है। अब देखिए अगर ये है तो ये वाला भी टोटल ये कितना होगा एंगल, अगर यहां नीचे देखें इसमें एंगल एस ओ टी, इसको इक्वेशन नंबर पढ़ते हैं, एस ओ टी प्लस एंगल एस ओ क्यू पूरा एंगल, अभी मैं एक ही एंगल इसको कंसिडर कर रहा हूँ, एक एंगल ये और एक पूरा एंगल, एंगल एस ओ क्यू, ये भी कितना 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। इक्वेशन कौन सा दे दिया इसको सेकंड। अब क्या करें, दोनों इक्वेशन ऐड करके देखते हैं, फिर जो नई तरीके से इसको करेंगे डिकोड, देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिट एंड वी गेट, क्या मिलेगा वो देखते हैं। पीओटी प्लस पीओक्यू प्लस एसओटी प्लस एसओक्यू इक्वल 180 प्लस 180। अब देखिए यहां पर पीओक्यू है, यस पीओक्यू है, क्यूओआर नहीं है, एसओआर नहीं है, पीओएस नहीं। अब इसमें आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अब देखते हैं इधर कुछ चीजें और है इसमें समझने के लिए। पीओटी हमने क्या बनाया था, पीओटी, और अगर मैं इस पूरे एंगल को देखूं, ये वाले एंगल क्या होगा, एंगल पीओएस, इसको मैं इस तरीके से लिखूं एंगल पीओएस इक्वल किसके होगा, एंगल पीओटी, अच्छे से समझना सीखो, एंगल पीओएस टोटल जो एंगल होगा किस किस का सम होगा, एंगल पीओटी प्लस एंगल एस ओ और टी का प्लस एंगल एस ओ टी, चीजें यहां समझ में आई। इसके बाद पीओएस की जगह जो हमारा कहां है, पीओटी की जगह पीओटी जो यहां पर एंगल है और एंगल एस ओ टी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पीओएस, POT और SOT की जगह हम क्या लिखते हैं, एंगल POS, ठीक है। अब देखिए आगे एंगल जो हमने कंसीडर किया था SOQ, एंगल SOQ क्या क्या है, एंगल SOR, एंगल SOR प्लस किसका सम है, एंगल ROQ का सम, हमें यहाँ लिखा है QR तो उसी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं एंगल QO R का सम, तो एंगल SOQ इसका तो मैंने लिख लिया एंगल POQ, एंगल SOQ आपका क्या है, एंगल SOR प्लस एंगल QOR 180 180 कितना हो गया 360 डिग्री।
एक बार फिर से चेक करें, एंगल POS, POQ, SOR और एंगल QR, इसको अगर रीअरेंज करना एक बार फिर से कर दो, एंगल POQ प्लस एंगल QOR, एंगल SOR प्लस एंगल POS, POS कुल कितना 360 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है। तो आपके तीनों एग्जांपल फिनिश हो गए, एक और हम एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन करेंगे जो आईडी का है, देखते हैं उसको क्वेश्चन।